आज का ये एपिसोड समर्पित है जायदाद हथियाने वाले उन पेशेवर लोगों के नाम जिनके तौर तरीकों ने हमें ये एपिसोड बनाने के लिए उकसाया। अजी उस मोतीनगर वाले बंगले को कब खाली करवा रहे हो? तुमसे कितनी बार कहा कि मैं इस छोटे से कमरे में और नहीं रह सकती। अम्मा मैं क्या करूं, 6 महीने से नोटिस दे रखा है, किराएदार के निकलने को नहीं आ रहा। तुम्हारा वो चिराग कहां गया? अरे चिराग को रगड़ो ना और जिनको हुक्म दो कि मकान खाली करवा दे। अम्मा बेगम, अरे चिराग की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया मेरा। चिराग की आपने खूब कही भाई। हाँ चिराग ठीक है। अरे वाह यार, चिराग चिराग। अजी देखना कहीं ऊपर वाले खाने में ना हो। आहा, मिल गया बेगम, चिराग मिल गया है। अरे तो अपने चिराग में किराएदार रख बैठा, अब ये निकलने के 1.5 लाख मांग रहा है। देखिए भाई साहब, मैं आपके पांव पकड़ता हूं, आप मेरा मकान खाली कर दें। ओए, मैं बेवकूफ मकान खाली कर लूं? आप बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? बेवकूफ तो मैं हूं जिसने आप जैसे महापुरुष को मकान किराए पे दिया है। भाई किराए पर ही दिया है, मुफ्त तो नहीं दिया। देखिए भाई साहब, मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। आपने आज तक कुल 30,000 रुपया किराया दिया है, मैं आपको 50,000 वापस करने को तैयार हूं, आप मेरा मकान खाली कर दें। सेठ साहब, पिछले 5 साल में आपके मकान की कीमत 5 लाख बढ़ी है और आप मुझे सिर्फ 50,000 रुपये देके चलता करना चाहते हैं। भाई कम से कम 2.5 लाख तो होने चाहिए। अरे भैया मकान मेरा है, कीमत मेरे मकान की बढ़ी है। भाई तभी तो कह रहा हूँ इसमें से 2.5 लाख तुम्हारे, वरना सारे के सारे मेरे ना होते। और मेरे गुरु, तू 1 लाख रुपया ले ले और मेरा पीछा छोड़। ना, पूरे 2.5 लाख और वो भी आज की डेट में। कल अगर कोठी की कीमत बढ़ गई तो मेरा हिस्सा भी बढ़ जाएगा। ठीक है भैया, मेरी गलती है तो मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। ये 2 लाख रखो और बाकी के 50,000 का इंतजाम मैं शाम तक कर दूंगा। हाँ सेठ साहब, जरा जल्दी कर देना, अगर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई तो हिसाब किताब जरा दोबारा करना पड़ेगा। किसकी कीमत ना बढ़ जाए, क्या बड़बड़ा रहे हो? ओहो जिगारिया, ना कितनी बार कहा है कि जब अच्छा सपना आ रहा हो तो मत जगाया करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारा सपना नेशनल नेटवर्क पर टेलीकास्ट हो रहा, मुझे क्या पता तुम्हें कौन सा सपना आ रहा है। प्रीति, मुझे सपना आ रहा था कि हमारा मकान मालिक मेरे कदमों में 2.5 लाख रुपए रख के गिड़गिड़ा रहा है, मेरा मकान खाली कर दो, मेरा मकान खाली कर दो। तुम तो ना बस दिन रात प्रॉपर्टी हड़पने के सपने देखते रहा करो। प्रीति तुम देखना, एक दिन हमारा यही मकान मालिक हमें से तंग आकर हमें ये मकान भेजेगा, वो भी सस्ते में। बीबी जी, नीचे वालों ने फिर पानी बंद कर दिया, अब ये बर्तन कैसे साफ करने हैं? तू ऐसे कर, जितना भी कूड़ा करके डाना नीचे वालों के बरामदे में फेंक दे। नहीं साहब जी, ये काम मैं नहीं करूंगी।
तू 20 रुपए ज्यादा ले लिया कर और जाते हुए सारा कूड़ा नीचे फेंक दिया कर। साहब जी, मैं यहाँ बर्तन साफ करने आती हूँ, ना कि आपके झगड़े करवाने। अजीब बात है, लोग पैसे लेकर भी काम करने को तैयार नहीं। सच्चाई, भलाई, ईमानदारी, परोपकार, आदर्श, इन चीजों की कीमत 20 रुपए भी नहीं रहेगी। ठीक है, तुम जाओ, कूड़ा प्रीति अपने आप बाहर फेंक देगी। और बर्तन? बर्तन मैं साफ कर लूंगा जब पानी आएगा तो। अच्छा बीबी जी, नमस्ते, मैं जाती हूँ। प्रीति, तुम ऐसे करो कि 4 अंडों का ऑमलेट बनाकर मुझे दे दो और छिलके मकान मालिक के बरामदे में फेंक दो और फिर देखो मजा। इससे झगड़ा बढ़ तो नहीं जाएगा? भाई, झगड़ा ही तो बढ़ाना है। झगड़ा सोच समझ के करना। ये जो सेठ है ना, कुछ घटिया किस्म का आदमी है। मुझे तो उसकी आंखों से यही लगता है कि जरूर मुझसे कोई छेड़खानी करेगा। ये आंखों से कैसे पता चलता है? क्योंकि उसकी आंखें आपसे मिलती हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है, मुझे डर लगता है कहीं मुझे छेड़ ही ना दे। छेड़ेगा तो हम FIR लिखवा देंगे, इससे हमारा कोर्ट केस और स्ट्रांग हो जाएगा। वैसे एक बात है, अगर वो ना भी छेड़े, FIR तो फिर भी लिखवाई जा सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं थाने जाके उसकी रिपोर्ट लिखवा के आता हूँ कि उसने मेरी बीवी को छेड़ा। लेकिन उसने तो मुझे छेड़ा ही नहीं। भाई, छेड़ने के बाद रिपोर्ट लिखवाई तो क्या लिखवाई? तुम अभी देखो, मैं थाने जाके रिपोर्ट लिखवा के आता हूँ, फिर देखो कैसे पुलिस आती है और उसे थाने का इन्विटेशन देके जाती है। अबे, ये भाटी कौन है? यही है जी वो। क्यों बे, तूने अपने मकान मालिक की बीवी को छेड़ा? ना ना, मैं तो अभी प्लानिंग ही कर रहा था। ये रोज मुझे तंग करता है जी, मैं तो घर के बाहर खड़ी भी नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी का कुछ करो, हम इससे बहुत तंग हैं जी। हाँ भाई, तुम्हें जरा हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, थाने में कितनी देर लगेगी इनको? बहन जी, ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। हो सकता है कि 1-2 रातें हवा रात में काटनी पड़े, और ये भी हो सकता है कि 1 हफ्ते तक जेल में रहना पड़े। इसका मतलब मैं अपना टूथब्रश और पेस्ट साथ ही रख लूं। व्हाट? अगर आप हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो 1 हफ्ता मैं भी मायके लगाऊं, ऐसे मौके रोज रोज कहाँ आते हैं। और हाँ, अगर आप हवालात गए तो जो नत्थों की दुकान है ना, वहां से पेड़े लाना मत भूलना। यही बात इसकी मुझे बहुत बुरी लगती है। कितनी हिंदी फिल्में तुझे दिखाई हैं, हर फिल्म में जब भी पुलिस हीरो को पकड़ के ले जाती है तो हीरोइन रोती रोती जीप के पीछे भागती है। और एक ये है, जब भी मैं हवालात जाता हूँ कहती है कि पेड़े ले आना, पेड़े ले आना। ओए, इसमें इसका क्या कसूर है? नत्थू के पेड़े हैं ही बड़े स्वाद। शट अप! तो पुलिस का आदमी है कि नत्थू का एजेंट? हाँ, चलो ले चलो इसे, ले चलो। ठीक है, इसमें नई बात कौन सी है? प्रीति, तू समझ कि मैं गया और आया। नत्थू भाई, आओ आओ बटी साजी, क्या हाल है? बड़े दिनों के बाद आना हुआ। बस यार, 6 महीने हो गए यार तेरे दुकान के पेड़े खाए हुए। बटी जी, 6 महीने में हवालात का एक भी चक्कर नहीं लगा? चक्कर क्या लगना था यार, 6 महीने से प्रॉपर्टी की एक भी डील नहीं हुई। उस्ताद जी, अगर आप लोगों के हवालात के चक्कर नहीं लगेंगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? अच्छा ये बताओ कि खाओगे क्या? खाना कुछ नहीं यार, 2 किलो पेड़े पैक कर दो। अभी लो उस्ताद जी। 2 किलो पेड़े मेरे भी पैक करना। अभी लो टोनी दादा। ओ टोनी, तू? ओ तू यहाँ क्या कर रहा भाई? अबे ओए, पीछे हट के बात कर, जानता नहीं टोनी दादा है? ओ भाई, तुम्हारा दादा होगा यार, मेरा तो क्लास फेलो है। ओ यार, याद नहीं हम 10वीं में इकट्ठे फेल हुए थे? ओ भूल गया? अच्छा अच्छा अच्छा, भट्टी तू? अरे यार, मैंने तेरे को पहचाना नहीं। चल वहां बैठते हैं। ए दो कड़क चाय बनाना। अभी नमस्ता जी। यार तू कभी मिला ही नहीं। मुझे पता ही नहीं लगा तू इसी शहर में रहता है। अब बता, तेरा घर कहाँ है? तू करता क्या है? यार मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? यार कोई भी ऐसा मकान जिससे किराएदार निकलता ना हो, मैं सस्ते में खरीद लेता हूँ, खाली करवा के उसे दुगनी कीमत पे बेच देता हूँ। यार मेहनत मजदूरी का काम है। ऐसा मकान खाली करवाने के लिए आदमी कहाँ से लेता है? कहीं से भी। आदमी तू मुझसे ले लिया कर, मेरे पास अच्छे तगड़े पहलवान है। तुझे 15-20% कंसेशन भी दे दूंगा। ठीक है, मुझे और क्या चाहिए? भट्टी उस्ताद जी, कल आपकी पीछे वाली गली में बिल्लू बादशाह ने कोठी खाली करवाई है। अच्छा? 5 लाख की खरीदी उस्ताद जी और किराएदार भगा दिया, और अब पूरे 8 लाख की बेच रहा है। कमाल है, मेरे पिछले मोहल्ले में मकान खाली और मुझे पता ही ना चले। प्रॉपर्टी के बिजनेस में हमेशा आंखें खुली रखनी चाहिए। भट्टी साहब, भाई टोनी बादशाह बिल्कुल सही कहता है।
कम से कम अड़ोस पड़ोस की खबर तो जरूर रखनी चाहिए। तेरी शादी हो गई? हाँ, 4-5 साल हो गए। तेरी बीवी क्या करती है? उससे क्या इधर उधर की खबर रखा करे? हाँ, मैं भी कई बार महसूस करती हूँ कि मुझे तुम्हारे काम में हाथ बटाना चाहिए। प्रीति, आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, दौलत, शौहरत सब कुछ है। आज मैं जो भी हूँ। मुझे मालूम है, मेरी वजह से हो। नहीं नहीं, लोगों के झगड़ों की वजह से हूँ। मैं बताना भूल गई कि रवि का फोन आया था, आज हम उनके यहाँ पार्टी है। क्यों, उनकी सालगिरह? नहीं, उन्हें वो मकान किराए पे लिए हुए 1 साल हो गया, और वो पार्टी इस खुशी में दे रहे हैं कि उनका मकान मालिक से एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। सब आपके लिए दूध। शाबाश। और सुनो, ये दूध वापस ही ले जाओ, और शाम को एक पार्टी है। रवि जल्दी करो, 2 घंटे रह गए पार्टी शुरू होने में और अभी तक तुम्हारे पर्दे नहीं लगे। बस जी, ये पर्दे लग जाए, बाकी काम तो आधे घंटे का है। जल्दी से पर्दे लगा के टेबल पे केक सजा दो, तब तक मैं पकौड़े निकाल लूंगी। सुधा, इतनी धूमधाम से तो तुम शादी की सालगिरह भी नहीं मनाती। भाई, शादी की सालगिरह हर साल आती है, लेकिन एक मकान में 1 साल लगातार रहने का मौका किराएदार को बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। वाकई सुधा, पिछले 6 सालों में हमने 12 मकान बदले हैं, और मुझे यकीन नहीं होता कि इस मकान में रहते हमें 1 साल हो गया है। सच रवि, और पिछले 1 साल में एक बार भी हमारा मकान मालिक के साथ झगड़ा नहीं हुआ। यही तो मैं कह रही हूँ कि पूरा 1 साल हो गया रवि और सुधा को यहाँ टिके हुए, और अभी तक एक बार भी हमारा उनसे झगड़ा नहीं हुआ। ऐसे किराएदारों का क्या फायदा? भाई, ये तो अच्छी बात है कि उनके साथ हमारा झगड़ा नहीं हुआ। क्या अच्छी बात है? अगर उनका यहाँ दिल लग गया तो वो कभी मकान नहीं छोड़ेंगे। भाग्यवान, अभी तो उन्हें 1 साल ही हुआ है यहाँ आए हुए। तो क्या 10 साल रखने का इरादा है? देखो जी, पिछले महीने उन्होंने अपने आप दीवारों पर रंग रोगन करवा लिया, और आज वो नए पर्दे खरीद कर लाए हैं। मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लगती। अच्छा, रोज तो तुम सुनते हो फला मकान किराएदारों ने दबोच लिया। मैं तो कहती हूँ इससे पहले कि पानी सर के ऊपर से निकल जाए, हमें उनका पानी का कनेक्शन ही काट देना चाहिए। पानी का कनेक्शन बाद में काटना, पहले जाकर देखो कहीं पर्दे पक्के तो नहीं लगा रहे। ये लीजिए जी, ये केक भी लग गया और उस पे एक कैंडल भी। जिस पाल को याद करवा देना था, कहीं भूल ही ना जाए। मैंने सबको याद करवा दिया है, बस अपने मकान मालिक को कहना बाकी है। अरे, जिसके ऑनर में हम ये पार्टी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे इस घर में 1 साल पूरा हुआ है, उसे बुलाया ही नहीं। सुधा, मैं उनको सरप्राइज देना चाहता हूँ, भरी महफिल में उनको लेकर आऊंगा और सबको बता दूंगा कि ऐसे देवता स्वरूप मकान मालिक भी होते हैं। आइए आइए भाई साहब, आपकी उम्र बहुत लंबी है, हम लोग आप ही को याद कर रहे थे। रवि भाई, पार्टी वाली है क्या ये? पार्टी हम आप ही के ऑनर में दे रहे हैं जी। जी, लेकिन क्यों दे रहे हैं? ये एक सरप्राइज है जो हम आपको 7 बजे बताएंगे। हाँ, आप और मिसेस गुप्ता तैयार होके आ जरूर जाइएगा। वो तो आ जाएंगे, लेकिन एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। भाई साहब, आज तो आप जो भी कहेंगे हम मानेंगे। आप 1 तारीख से पहले पहले मकान खाली कर दीजिए। है तो आपको तकलीफ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। देखिए भाई साहब, आपको हमसे शिकायत क्या है? हम आपके घर को कितना साफ सुथरा रखते हैं, बिल्कुल अपना समझ के रहते हैं यहाँ। अपना समझकर? इसीलिए तो कहता हूँ कि मकान खाली कर दें। खैर, अब मैं चलता हूँ, आपने पार्टी की तैयारी भी करनी है। बधाई हो भाई साहब। बधाई हो भाभी जी, बड़ी जबरदस्त पार्टी की तैयारी है। हेलो सुधा। हेलो। अरे भाई, आप तो ऐसे बैठे जैसे आपके इम्तिहान में कंपार्टमेंट आ गई होती है। कंपार्टमेंट में तो फिर भी होप होती है, यहाँ तो फेल ही हो गए। क्यों, क्या हुआ? अभी अभी मकान मालिक ने मकान खाली करने का नोटिस दे दिया है। और मुझे तो फिक्र लगी है पार्टी का क्या होगा। पार्टी की तो आप फिक्र ना करें, हम घाघर ही जाएंगे, लेकिन आप अपने मकान के बारे में सोचिए। सुधा, तुम फोन पे सबको बता दो कि पार्टी कैंसिल। पार्टी कैंसिल, बहाना क्या लगाऊंगी? कुछ भी कह दो। हाँ, कह दो कि दरवाजा खुला रह गया, कुत्ता केक खा गया। कुत्ता? कुत्ता है या बिल्ली, कुछ भी, लेकिन तुम सबको फोन कर दो प्लीज। अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। उफ यार, अब तू ही बता
मैं क्या करूं, मकान बदल बदल कर मेरा तो आधा फर्नीचर टूट चुका है। यार मुझे तो शर्म आती है लोगों को बताते हुए कि रवि मेरा दोस्त है। मेरे जितने भी दोस्त है किसी ने कोठी दबाई हुई है, किसी ने शोरूम पे कब्जा किया हुआ है, और एक तू है हर हफ्ते मकान ढूंढ रहा होता है ठेले पे सामान लाद के। क्या करूं यार, मेरी किस्मत ही ऐसी है। किस्मत तेरी बढ़िया है, 3 बेडरूम हाउस तेरे पास है, दबोचले से खाने दो उन्हें कचहरियों के चक्कर। क्या मकान मालिक ने सारी उम्र की कमाई इकट्ठी करके मकान बनाया हो और मैं उसे दबोच लूं? नहीं नहीं, मेरी आत्मा नहीं मानती। मुझे लगता है तेरी आत्मा अभी तेरे शरीर में किराए पर ही रह रही है। अब मुझे देख, मेरे पास पहले एक मकान था, मकान मालिक से झगड़ा हो गया, 60,000 लेके मकान छोड़ा, उसके बाद दूसरा मकान लिया, 70,000 वहां से लिए, इस तरह 6 मकान बदलने के बाद मैंने अपनी कोठी खरीद ली। अब कोठी किराए पर है और मैं फ्री रह रहा हूँ। फ्री? पिछले साल मकान मालिक ने किराया डबल करने को कहा। फिर डबल तो क्या करना था, मैंने किराया देना ही बंद कर दिया। नहीं, मैं झमेलों में नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है फिर निकल जा जंगलों की तरफ, लगा ले बिस्तरा किसी पेड़ के नीचे। यार यही का कुटिया ले देना, ले दे कोई सस्ता सा 2 कमरे वाला मकान। यार मेरे होते हुए मकान खरीदना पड़े, बड़े शर्म की बात। देख मैं 1-2 लाख खर्च कर सकता हूँ अगर इतने में कोई छोटा मोटा सस्ता सा मकान आता हो। इतने में क्या आएगा यार, खैर तू कल आ जाना, चलेंगे किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास। ठीक है। अपना तो काम ही प्रॉपर्टी का, ये देखो 416 नंबर मकान, बड़ी मौके की जगह है, कॉर्नर का मकान है, ग्राउंड फ्लोर बना हुआ, 2 फ्लोर ऊपर बन सकते हैं, सामने पार्क है, पीछे मार्केट है, 1 फरलांग पर अस्पताल है, 2 फरलांग पर दूध की डेयरी। शराब का ठेका यहाँ से कितनी दूर है? लो लो लो, 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, ये रहा ठेका। ना फिर तो ठीक है भाई। यार तुझे तो पता है मैंने तब से पीनी छोड़ दी है जब एक बार पीकर गड्ढे में गिर गया था। और यार गड्ढे कहाँ हैं, कहाँ गड्ढे हैं? बादशो बिल्कुल लेवल सड़कें हैं, अपना तो काम ही प्रॉपर्टी का, और कोठी की कीमत सिर्फ 6 लाख। 6 लाख? देखिए जी मेरे पास तो 2 लाख का बजट है, अगर कहीं से उधार भी उठाऊं तो मैक्सिमम 3 लाख। इतने में तो फिर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मिल सकती है। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी? ओ यार जिसने को ऐसा किराएदार बैठा हो तो निकलता ना हो। किराएदार तो निकाल लेंगे यार, मैंने ऐसी 20 कोठियां खाली करवाई हैं। नहीं यार मैं इन झमेलों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं मेरी आत्मा नहीं मानती। यार अपनी आत्मा को समझा कि ये भले का काम है, एक आदमी का मकान नहीं बिक रहा, किराएदार मकान छोड़ने को राजी नहीं, अगर हम ऐसा मकान खरीद लेते हैं तो मकान मालिक पर ये परोपकार है, परोपकार। हमारे खरीदने से वो छोड़ देगा? वो तो मुझ पे छोड़। ओ, ये 600 नंबर कोठी देख लो यार, 8 लाख की कोठी है पर 3 लाख में सौदा करा देंगे, बोलो। वहाँ रह कौन रहा? ओ यार 2-3 कॉलेज के लड़के हैं, पर कोठी एकदम बढ़िया, 3 बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग, 1 कमरा ऊपर और टेरेस वखरा, एकदम मॉडर्न डिजाइन है, मॉडर्न। फिर तो ब्लैक मनी छिपाने के लिए भी प्रोविजन रखी होगी। आप गए तो कोठी दिखा लूं? हाँ कोठी तो देख ही लेनी चाहिए। कोई गड्डी गुड्डी आएगा मंगाऊं? स्कूटर है एक। वो तो स्कूटर पर ही चलते हैं यार, चलो उठो उठो चलो। हाँ चलो और क्या। क्लच ब्लेटों का मजा नहीं आया, शाकर भी ढिले हैं, कहीं तो स्कूटर रुकवा दूं, बोल। ओ यार तू पहले ये बता के कोठी किधर है? ओए कोठी तुम्हारे सामने यार, 600 नंबर कोठी, इसकी तो मैं बात कर रहा था। अच्छा आगे आओ। कोठी तो अच्छी है, टेरेस भी बढ़िया है। यार तू इमेजिन कर, शाम का समय हो, तू और मैं टेरेस पर बैठे हूं, भाभी गर्मा गर्म टिकिया बना के लाए, बीच में से धुआं निकल रहा है, ओए 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 ओए। पर यार कोठी तो खाली हो जाएगी ना? ओ यार टिक्कियों का सारा मजा ही खराब कर दिया तुमने। ओ यार मैं तो कहता हूँ अगर कोठी पसंद है ना तो आज ही बयाना दे दो 5,000 रुपया। ओ मैं तो कहता हूँ जी आप 50,000 बयाना लो, कम से कम पार्टी मुकरेगी तो नहीं। ना ना बयाना तो जितना कहोगे मैं दे दूंगा। हाँ पर कोठी तो खाली हो जाएगी ना? ओ यार तू मेरे होते हुए डरता क्यों है? आप सौदा करवाओ जी, हम कल रजिस्ट्री करवाएं। अरे भाई दे रहा है टोकन, बाकी पैसे। बाकी 3 रुपए का टोकन, बाकी 2 रुपए। यहाँ 5 रुपए लगते हैं भाई साहब। कमाल करते हैं जी आप, सामने साफ लिखा है 3 रुपए। आप पहली बार रजिस्ट्री करवाने आए हैं? ओ यार समझा कर, यहाँ जो जितने पैसे मांगता है दिए चल, यहाँ साइकिल स्टैंड से लेकर स्टेट ऑफिसर तक किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन लगा दी ना फिर देखता रहेगा।
भी मुबारक हो, रजिस्ट्री तो होगी। चलो कम से कम एक भार तो हल्का हुआ। हाँ ये बैग काफी हल्का हो गया, सारे पैसे निकल गए। यार इतने पैसे खर्च किए, कोठी का मालिक भी बना लेकिन अंदर फिर भी नहीं घुस सकता। अंदर भी घुसा देंगे यार, कल तो 10 बजे आना, फिर बनाएंगे स्कीम। टोनी जी ये पूरे 20,000 है, आप गिन लीजिए। और गिनने क्या है, तो फिक्र ना कर रवि यार, तेरे किराएदारों को ऐसा भगाएंगे कि घर तो क्या शहर छोड़ के भाग जाएंगे। पर यार कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना पड़ेगा ना? ना ना ना, ये तो उन्हें कविताएं सुनाकर भगाएंगे। अबे कल 11 बजे तू 600 नंबर कोठी के अंदर होगा और वो बाहर। जाओ और सामान बाहर फेंक दो। यार लगता आजकल तेरा बिजनेस काफी चल रहा है, हर रोज एक नई चोट लगी होती है। नहीं बे, आजकल साइकिल सीख रहा ना तो गिर जाता हूँ इधर उधर। टोनी जी कोठी तो खाली हो जाएगी। अबे तू देखता जा अंदर क्या होता है। चल भाई गांव में टाइम हो गया, बिल्लू बादशाह इंतजार कर रहा होगा। अबे बात सुन, तेरे ख्याल से बिल्लू बादशाह ने वो कोठी कितने में खरीदी होगी? कौन सी कोठी? अबे वही जो हम खाली कराने जा रहे हैं। अरे हमें क्या, अंदर तो अपनी बिरादरी के आदमी लगते हैं। लगता है बिल्लू बादशाह के आदमी हैं। तुम तो कह रहे थे अंदर 2-3 छोकरे हैं किसी कॉलेज वॉलेज के। यार प्रॉपर्टी डीलर ने तो यही बताया था। हाँ। झूठ बोल गया साला यार, अगर हमें पता होता कि बिल्लू बादशाह के आदमी है तो हम कोई और मकान देख लेते। यार कोठी तो खाली हो जाएगी ना? अबे खाली तो करवाएंगे ही, 5-7 आदमी और मंगवाने पड़ेंगे, 10,000 और लग जाएगा। ठीक है यार तू मकान खाली करवा किसी भी तरीके से। ठीक है मैं 2 घंटे बाद 8-10 पहलवानों के साथ यही मिलता हूँ, तब तक 10,000 का इंतजाम करो। चलो यार अब 10,000 कहाँ से लाऊं, मेरे घर में तो 5 पड़े हैं। कोई बात नहीं, 5 मेरे घर भी बड़े हैं। ऐसे करते हैं पहले तेरे घर चढ़ के 5 उठा लेते हैं। ठीक है, चल जल्दी कर। यार तूने 1 साल से मकान का किराया नहीं दिया, तेरा मकान मालिक तुझे कोठी खाली करने को नहीं कहता? यार कोठी खाली करवाना हर एक के बस का काम नहीं, अगर आसान काम हो तो झगड़े वाली कोठियां इतनी आसानी से ना बिके। यार वो देख तेरी बगल में भी किसी ने मकान खाली कराया लगता है। हाँ यार लगता तो मुझे भी ऐसे ही है। अरे वो ये सोफा तो मेरा, वो कुर्सियां भी मेरी है। साहब आप आ गए, हम तो आपको सुबह से ढूंढ रहे हैं। वो मेरा सामान किसने बाहर फेंका? मकान मालिक ने साहब। उसकी ये हिम्मत, कहाँ है वो सेठ? उसने आपसे तंग आके ये कोठी बेच दी है। किसको? 600 नंबर वाले बिल्लू बादशाह को। जिस गली में किराएदार से झगड़ा न हो उस गली में हमें घर लेना नहीं, जिसके घर से किराएदार निकलता न हो उसके घर का ही सौदा रहेगा सही, जिस गली में किराएदार से झगड़ा न हो। सभी जोड़ के तू डरा दे उसे, उसकी टांग तोड़ के वो चला जाएगा फिर ये घर छोड़ के, जिसके घर को हड़पना मुश्किल लगे, जिसके घर को हड़पना मुश्किल लगे उसके घर का तो सौदा ही करना नहीं, जिस गली में किराएदार से झगड़ा ना हो उस गली में हमें घर लेना